तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अकेशिया एंड ट्रैगर गन। अकेशिया एंड ट्रैगर गन। अकेशिया एंड ट्रैगर गन। अकेशिया सिनोनिम्स जानते होंगे। अकेशिया गम को इंडियन गम भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अकेशिया गम, इंडियन गम, या सिंपली गम अकेशिया, या इसी को कहते हैं गम अरेबिक, गम अरेबिक। तो ये इसके हुए सिनोनिम्स हुए। और इसके अलावा ये इंडियन गम को भारत में हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कि यही है आपको बबूल का पेड़। बबूल जानते हैं ना, बबूल, या इसको बबूल को ही कीकर कहा जाता है, या इसको खेर भी कहा जाता है। तो बबूल, खेर, कीकर, इसी प्लांट को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्लांट को पहले हम लोग देखते हैं। तो इसका अकेशिया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? सो दिस अकेशिया गम, ये गम लाइक, गम तो जानते हैं ना, सो गम लाइक स्ट्रक्चर है। सो इट इज द गमी एक्सुडेशन, इट इज ड्राइड, इट इज ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेंड फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेज। कहां से प्राप्त होता है? तो तना और उसके ब्रांच से। तो दे आर द ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट का नाम है अकेशिया अरेबिका। इंडिया में यही प्लांट है। ठीक है, और जैसे कि ईरान हुआ, तुर्की हुआ, सीरिया हुआ, तो वहां जो प्लांट है उसका नाम है अकेशिया सेनेगा, या अकेशिया सेनेगा। ठीक, फैमिली इसकी है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी दाल वाली फैमिली, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द अकेशिया। क्लियर। और दिस इज ऑब्टेंड बाय फ्रॉम वाइल्ड सोर्सेस, नो कल्टीवेशन, इसको कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं होती है, वाइल्ड सोर्स ही सफिशियंट है इसका। कल्टीवेशन हम लोग कब करते हैं? जब हमको वाइल्ड सोर्स से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, या बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, उससे केस में। जब हमको वाइल्ड प्लांट से ही अच्छा चीज मिल जाए, तो क्यों हम कल्टीवेशन में पैसा इन्वेस्ट करें? तो इट इज ऑन कॉमर्शियल स्केल दिस प्लांट इज नॉट कल्टिवेटेड, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वाइल्ड सोर्सेस ओनली। सो वाइल्ड सोर्सेस ओनली, ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड सोर्स ही यूज होता है। ठीक है, तो कल्टिवेशन की जरूरत नहीं है इसके लिए। और कलेक्शन के लिए जो है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग, कैसे ये प्लांट से मिलता है? बाय मेकिंग इंजरी और इंसीजन। जब इंजरी या इंसीजन करते हैं तो ये प्राप्त होता है बाय ए प्रोसेस, बाय ए प्रोसेस। उस प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा, गमोसिस कहते हैं, गमोसिस। ठीक है, गोमोसिस कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, गोमोसिस मीन्स हुआ ओजिंग आउट फ्रॉम द सरफेस,
oozes out. Oozes means बाहर निकलना, oozes out from plant. तो इसको गमोशिश कहते हैं, ठीक है। और जब ये प्लांट से निकलता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करके कलेक्शन एंड ड्राइड इन सन, ड्राइड इन सन, सन में ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, ड्राई हो जाता है तो इससे मॉइस्चर जो है वो निकल जाते हैं। हाँ, ड्राइंग जो सन में करते हैं इट कॉजेज ब्लीचिंग ऑल्सो, सो इट कॉजेज, सन ड्राइंग कॉजेज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मीन्स इसका जो कलर है वो फेड कर जाता है, ब्लीचिंग मीन्स कलर उतरना। सो सन ड्राइंग, और जैसे कि कपड़ा, जानते हैं कि हम लोग कॉटन कपड़ा जो है वो धूप में देते हैं तो उसका रंग उतर जाता है, रंग फेड कर जाता है, उसी को ब्लीचिंग कहते हैं। तो यानी इसको भी यदि सन ड्राई करिए तो इसमें ब्लीचिंग हो जाता है, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इज नोन एज रैपनिंग, तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, रैपनिंग किसको बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इज नोन एज रैपनिंग, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इज नोन एज रैपनिंग, ड्राइंग प्रोसेस को रैपनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इसका कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर देखने में कैसा ये है। तो ये जो होता है तो आपको येलो टू ब्राउन टू पिंक कलर, येलो टू ब्राउन कलर लिख देता हूं, येलो टू ब्राउनिश कलर, ये कलर हो गए इसके कलर। तो ये सब हालांकि पूछता नहीं है कि किसके कलर का है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर जो है इसका ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, कोई भी ऑर्डर नहीं रहता है, कोई भी ऑर्डर नहीं रहता है। और टेस्ट जो है इसका वो म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस टेस्ट होता है, टेस्ट आपको म्यूसिलेजिनस टेस्ट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। उसके बाद इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जो पाए जाते हैं, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अकेशिया में पाए जाते हैं, अरेबीन मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन अकेशिया इज अरेबीन, ठीक है ना, अरेबीन, ध्यान दीजिए नाम क्या है, अकेशिया अरेबिका, प्लांट का नाम है अकेशिया अरेबिका, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज अरेबीन, अरेबीन जो है वो हेटरोपॉलीसेकेराइड्स है, जो कि हेटरोपॉलीसेकेराइड्स है, हेटरो होमो नहीं, होमो मीन्स हुआ कि एक ही चीज का बना हुआ, हेट्रो मीन्स डिफरेंट कंपोजिशन है, तो ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है। और इट इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, अरेबीन क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैग्नेशियम पोटासियम एंड कैल्शियम साल्ट, साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड, अरेबिक एसिड, अरेबीन जो है वो मैग्नीशियम कैल्शियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड है, अरेबिक एसिड का साल्ट का मिक्सचर है, ठीक है। अरेबीन क्या है, अरेबिक एसिड के साल्ट का मिक्सचर। और अरेबिक एसिड जो है ऑन हाइड्रोलाइसिस, अरेबिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस मीन्स ये किस चीज का बना होता है अरेबिक एसिड, सो इट ऑन हाइड्रोलाइसिस gives L-arabinose, L-arabinose, L-ramnose, L-ramnose, L-arabinose, L-ramnose, then D-galactose,
गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड, डी ग्लूकोरोनिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ये प्रोडक्ट ये याद रखिएगा, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेजर हुआ इसमें अरेबीन हुआ, और ये इट ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो याद रखेंगे अकेशिया में ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम भी होते हैं, जो कि ट्रेगा कंथ में अगार में नहीं होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन तो हमको लगता है आपको पक्का आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको यदि अकेशिया से कोई यदि एक क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसको तो एकदम आप याद रखिए कि अकेशिया में ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, तो इसको एकदम आप याद रखेंगे, जो कि ट्रैगाक्रंथ हुआ अगार हुआ इस में नहीं पाया जाता है, तो ये यहाँ रखेगा। और इसी एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है, इसी के कारण अकेशिया जो है वो ब्लू कलर देता है, गिव्स ब्लू कलर, अकेशिया गिव्स ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम विथ बेंजीनिडीन, बेंजीनिडीन इन अल्कोहल एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो याद रखेंगे ये अकेशिया का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुआ है, ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम अकेशिया में पाया जाता है, और इसके कारण इसका जो टेस्ट केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बनता है वो बेंजीडीन, अल्कोहलिक बेंजीडीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, जो कि ब्लू कलर देता है। इसका अर्थ हुआ कि ये अकेशिया गम है, ये ट्रैगाकंथ नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि एक क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से रहेगा, मेरा 100% दावा है। नहीं क्वेश्चन आए तो नहीं है, आएगा तो यहां से आएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अकेशिया के बारे में। अब अकेशिया का केमिकल टेस्ट भी देख लीजिए, केमिकल टेस्ट। तो एक टेस्ट तो समझ गए कि ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर ड्यू टू ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण, ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण किसके साथ, तो विथ बेंजीनिडीन, अल्कोहलिक बेंजीनिडीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। सेकेंड जो है विथ लेड एसीटेट से, लेड एसीटेट से नो प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेट डाइल्यूट लेड एसीटेट से, विथ डाइल्यूट लेड एसीटेट से नो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देता है, और इसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है इसलिए, या टैनिंस नहीं पाया जाता है इसलिए नो रिएक्शन, देखिए नो रिएक्शन विथ आयोडीन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि स्टार्च नहीं पाया जाता, स्टार्च रहता तो आयोडीन से स्टार्च ब्लू या ग्रीन कलर देता है, तो स्टार्च नहीं पाया जाता है तो नो रिएक्शन विथ आयोडीन। टैनिन नहीं पाया जाता है तो टैनिन का क्या टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड, याद रखेंगे। सो नो रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड, ठीक। फोर्थ, फिफ्थ नो रिएक्शन विथ क्या कहते हैं, रूथेनियम रेड, रूथेनियम रेड। सो इस सबसे किसी से रिएक्शन ये नहीं देता है, रूथेनियम रेड है फिक्स्ड आयल वोलेटाइल आयल के लिए, रेजिन्स के लिए, तो ये रिएक्शन इससे भी नहीं देता है, यानी ये कंपाउंड भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये हो गए अकेशिया के, अब आ जाइए ट्रैगाकंथ के। तो ट्रैगाकंथ का सिनोनिम्स जो है गम ट्रैगाकंथ, गम ट्रैगाकंथ, गम ट्रैगाकंथ। बायोलॉजिकल सोर्स जो है
तो सिमिलर जैसे अकेशिया में हम बताए थे आपको, वही सिमिलर टू अकेशिया, केवल प्लांट फैमिली भी वही है, केवल प्लांट का नाम है एस्ट्रागेलस गुणिफर, एस्ट्रागेलस, एस्ट्रागेलस गुणिफर, गुणिफर, केवल प्लांट बदल गया है, ठीक है। बाकी इसमें भी कहेंगे इट इज द ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेंड बाय इन सीजन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ एस्ट्रागेलस गोमीफर फैमिली लेग्यूमिनेसी, सब कुछ वही है। इट इज ऑब्टेंड बाय इन सीजन, ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेंड बाय इन सीजन से, इट इज ऑब्टेंड बाय इन सीजन से, इन सीजन से, ये हो गया। और इसके दो वेराइटीज पाए जाते हैं, यहां आप ये देखिए, इसमें दो वेराइटीज पाए जाते हैं। एक हो गया आपको पर्सियन ट्रैगाकन, पर्सियन वेराइटी या पर्सियन ट्रैगाकन, और एक है सीमेरिन, एक है आपको एस्मिरना ट्रैगाकन, एस्मिरना, एस्मिरना ट्रैगाकन, ट्रैगाकन। तो ध्यान दीजिएगा, दो वेराइटी है पर्सियन एंड एस्मिरना, पर्सियन ट्रैगाकन और एस्मिरना। ये ट्रैगाकन जो है इट कंटेन्स स्टार्च, इसमें स्टार्च पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव, दिस कंटेन्स स्टार्च, और चूंकि स्टार्च पाया जाता है इट मींस इट गिव्स कलर रिएक्शन विद आयोडीन, सो गिव्स कलर विथ आयोडीन से ये कलर देगा। और ये अब ये दोनों वेराइटी, ये वेराइटी जो है वो आता है ईरान एंड सीरिया से, कम्स फ्रॉम, दिस वेराइटी कम्स फ्रॉम ईरान, मीन्स ईरान एंड सीरिया में जो है, सो ये वेराइटी बनता है पर्सियन वेराइटी, जबकि स्मिरना वेराइटी जो है वो तुर्की से आता है, सो इट कम्स फ्रॉम तुर्की, कम्स फ्रॉम तुर्की से, तुर्की से आता है, तो ये वेराइटी हो गए, ठीक। अब आ जाइए इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक तो ये आपको कलरलेस या व्हाइट या येलोइश कलर होता है, ब्राउन नहीं होता जैसे वो अकेशिया में था, तो ये या तो कलरलेस या व्हाइट या समवाट, समवाट येलोइश, ठीक है, तो कलरलेस व्हाइट या येलोइश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, ठीक है, जबकि अकेशिया था क्या क्रीम टू ब्राउन टू पिंक कलर, लेकिन यहां पर ये कलरलेस व्हाइट टू येलोइश है, ठीक है। ऑर्डर जो है इसके, ये भी ऑर्डरलेस, अकेशिया के जैसा ही ये भी ऑर्डरलेस, यानी कोई ऑर्डर नहीं है, टेस्ट अकेशिया के जैसा ही, ये भी म्यूसिलेजिनस टेस्ट, म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी में डिफरेंट है, देख ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, अकेशिया जो था वो सॉल्युबल इन वाटर एंड इन सॉल्युबल इन अल्कोहल था, ध्यान दीजिएगा, अकेशिया वाटर में सॉल्युबल था, अल्कोहल में इन सॉल्युबल था, ये जो है वाटर में ओनली पार्टली सॉल्युबल इन वाटर, पार्टली सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, और एक तो पार्टली सॉल्युबल होता है, ठीक है, मीन्स पूरा पूरा सॉल्युबल नहीं होता है, पार्टली सॉल्युबल होता है, और वाटर में ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, एंड स्वेल्स इन वाटर, स्वेल्स इन वाटर, ठीक है, जबकि अकेशिया जो है वाटर में सॉल्युबल था, अकेशिया का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक एंड लीवो रोटेटरी होता था, ठीक है, अकेशिया सॉल्युबल था और वाटर में जो सॉल्यूशन उसका बनता था वो एसिडिक एंड लीवो रोटेटरी होता था, एसिडिक एंड
लीवो रोटेटरी, अकेसिया में, ठीक है ठीक है। जबकि इस प्लांट में जो है वो पार्टली सॉल्यूबल होता है बट एंड स्वेल्स इन वाटर टू फॉर्म जिलेटिनस मास, टू फॉर्म जिलेटिनस मास, जिलेटिनस मास, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन जो है वो विस्कस, ये अकेशिया के रिस्पेक्ट में हाईली विस्कस होता है, इसलिए इसका यूज थिकनिंग एजेंट में भी होता है, ठीक है। तो ये सॉल्युबली, हाँ अकेशिया के जैसे ही ये भी इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये भी इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, आ जाइए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो इसमें दो टाइप के फ्रैक्शन पाए जाते हैं, मीन्स दो टाइप के केमिकल मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक ट्रेगा कैंथीन और दूसरा बेसोरीन, बेसोरीन। तो ट्रेगाकैंथीन जो है ये वाटर सॉल्यूबल होता है, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, जबकि ये बेसोरीन जो है तो वाटर इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। और ये ट्रेगाकैंथीन जो वाटर सॉल्यूबल पार्ट है ये केवल 8 से 10% ही रहते हैं, जबकि 50 to 60% पार्ट जो है तो वाटर सॉल्यूबल पार्ट रहते हैं, इसलिए ट्रेगाकन जो है वो पार्टली सॉल्यूबल ही हो पाता है। यदि ये वाला पार्ट ज्यादा रहता, ठीक है, ये वाला सॉल्यूबल वाला पार्ट ज्यादा रहता सॉल्यूबल होता, तो ये पार्ट बहुत कम है तो इसलिए ये पार्टली सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रेगाकंथ जो है उसमें ये मस्ट कम होना चाहिए, ये जितना कम रहेगा उसको उतना बेस्ट क्वालिटी माना जाता है। सो यानी बेस्ट क्वालिटी जो है, बेस्ट क्वालिटी जो है सो कंटेन कंटेन लेस ट्रेगाकैंथीन, ट्रेगा ट्रेगाकैंथीन, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी वो होता है जिसमें ट्रेगाकैंथीन वाटर सॉल्यूबल फ्रैक्शन कम होता है, ठीक है। और लो क्वालिटी ट्रेगाकंथ को सॉफ्ट ट्रेगाकंथ कहते हैं, लो क्वालिटी को, लो क्वालिटी ट्रेगाकंथ को, ट्रेगाकंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉग, हॉग ट्रेगा कंथ बोलते हैं, क्लियर। हाँ, और यहाँ पे नो ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ये अकेशिया से डिफरेंट हुआ, याद रखेंगे नो ऑक्सीडेज, नो ऑक्सीडेज एंजाइम, एंजाइम तो ये यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। केमिकल टेस्ट देख लीजिए, केमिकल टेस्ट विथ KOH से, विथ KOH सॉल्यूशन से कैनरी येलो कलर देता है, येलो कैनरी येलो कलर ये देता है, ठीक है। विथ आयोडीन से ग्रीनिश कलर देता है, ग्रीनिश कलर देता है, ग्रीनिश कलर, क्योंकि एक वैरायटी में स्टार्च भी इसमें है कुछ मात्रा में, तो इसलिए आयोडीन से ये ग्रीनिश कलर देता है, लेकिन ये भी रुथेनियम रेड से कोई कलर नहीं देता है, याद रखें नो कलर, नो कलर विथ रुथेनियम रेड, रुथेनियम रेड से कोई कलर ये भी नहीं देता है, ठीक है। तो ये हो गए अब दोनों के, अकेशिया या ट्रेगाकंथ, ठीक है, अकेशिया एंड ट्रेगाकंथ दोनों का यूज देख लेते हैं। दोनों जो है वो
demulcent and emollient होते हैं, दोनों demulcent and emollient होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों जो है used as binding agent, suspending binding agent, suspending agent and emulsifying agent, emulsifying agent। ध्यान दीजिएगा, दोनों जो है ये यूज में होता है। और ट्रेगाकंस जो है, मैं बताया कि ट्रेगा ये तो कॉमन यूज है एकेसिया ट्रेगाकंस दोनों का। और ट्रेगाकंस के बारे में मैं बताया कि ट्रेगाकंस जो है क्योंकि मोर विस्कस होता है कंपेयर टू एकेसिया, ट्रेगाकंस इज मोर विस्कस, ठीक है। मिथॉक्सी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये मोर विस्कस होता है ड्यू टू मिथॉक्सी कंपाउंड, और यही कारण है इट इज यूज एज थिकनिंग एजेंट। सो ऑल्सो यूज एज थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट। तो थिकनिंग एजेंट के रूप में भी ट्रेगाकंस का यूज होता है। ओके, थैंक यू।